चेतना के स्तर पर जब आप दरिद्र हो जाएं, वैचारिकता के स्तर पर आप दरिद्र हो जाएं, तो समझिए कि आप दरिद्रता के शिकार हैं, आप गरीबी के शिकार हैं और आप भूख दुख और अपमान की जिंदगी जीने के लिए हिंदुस्तान में अभिशप्त हैं। हिंदुस्तान एक धुर जातिवादी देश रहा है, यहाँ कभी भी लोकतंत्र रहा ही नहीं। 5000 सदियों तक जो हिंदुस्तान की जिसकी श्रम शक्ति से हिंदुस्तान के खेस कल्याणों में हरियाली और खुशहाली है, जिसके जिसके पुरखों की पुरखों के संघर्षों और जिनके भारतीय समाज को बेहतर बनाने में, चाहे अर्थव्यवस्था हो, उद्योग की अर्थव्यवस्था ना हो, खेती किसानी के जरिए हो रही हो, अगर वैसे 85% समाज के लोग अगर वो एक भूख दुख और अपमान की जिंदगी जीने के लिए 5000 साल से आज तक अगर अभिशप्त हैं, तो समझिए कि वो देश कभी मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक आप वैचारिक ऊर्जा से लैस नहीं होंगे, आपके अंदर चेतना का विस्तार नहीं होगा, आप पढ़ाई और लड़ाई का अवसर नहीं पैदा होगा और क्रांति और बदलाव का संवाहक आप नहीं बनेंगे। और मुझे खुशी होती है मंडल के दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों ने वो लड़ाई को देखा है, हमने वो दुश्मनों को पहचाना। कौन लोग, अभी डॉक्टर नवल किशोर जी कोई बात कह रहे थे कि वो कौन लोग थे, वो कोई लोग नहीं थे, हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर परजीवी लोग हैं जो अपने को यहाँ का सब कुछ मान बैठे हैं। आप दुनिया में देखिए कितनी, पूरी दुनिया में गैर बराबरी रही है, पूरी मानव जाति का इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन दुनिया के देशों ने अपने को बदला, अपने को समझा, सत्ता के प्रतिष्ठानों पर, साहित्य और सियासत में, समाज में जहाँ गरीबी रही, गैर बराबरी रही, वहाँ के लोगों ने अपने को बदलने के लिए तैयार किया, कुर्बानी दी। लेकिन यहाँ के लोग जने मोछ और चोटी धोती से ऊपर उठकर देखने का विजन ही नहीं पैदा कर सके। सर महसूस होती है वो मुल्क कैसे खुशहाल होगा जहाँ की बेटी अपने घरों से खेत में फूल लोढ़ने न चली जाए बिना डर के, एक अपने घर की बेटी अपने पशु के जानवर ले लेना चली जाए, घर का गार्जियन उसको JNU और DU में भेजने में डरता हो, ऐसे समाज में वो समाज कैसे खुशहाल हो सकता है। मित्रों, मैं कहता हूँ कि क्रांति की दुल्हन नौजवानों के कंधे पर चढ़ के आती है। दुनिया में जहाँ भी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, मैं कहता हूँ कि बदलाव और क्रांति विवश लोगों के आत्मा के आर्तनाद की अभिव्यक्ति है। और जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे, हम तो बड़ा सरकार है जमीन से, डॉक्टर संदीप जी तमाम हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर विद्वान सबका मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। हम लोग सोचिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 84 में न गया होता पढ़ने के लिए, मैं गरीब किसान का बेटा था, तो आज मैं नहीं यहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब में इतने लोगों के बीच शेरनी की दूध है और उस दूध को जो पिएगा आपका बेटा, आपको पिलाना चाहिए हर कीमत पर। वो समाज में, सभा में, सड़क में और संसद में सिर उठा के और सीना स्थान के सम्मान से जिएगा हिंदुस्तान में, ये जरूरी है। शिक्षा के बेहतरी के लिए आपको हमको हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर सूक्ष्मता में कटौती करनी होगी। ये सामाजिक न्याय का ही हिस्सा है जो मैं एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं मित्रों आप लोगों से कह रहा हूँ, अभी उर्मिलेश सर ने बहुत बड़ी संक्षिप्त में सारी चीजों को समराइज कर दिया। उमाशंकर भाई लखनऊ में लड़ाई लड़ते रहे, बड़े पुराने मित्र हैं हमारे, समाजवादी आंदोलन के साथी रहे। डॉक्टर लोहिया को कहना पड़ा 100 में पिछड़े पावे 60, संसो पाने बाधी गांठ। पार्टी की नीतियां बुरी नहीं होती, पार्टी समाजवादी आंदोलन भारत में, बात पर मुझे गर्व है कि मैं समाजवादी हूं और समाजवादी आंदोलन में मेरी घोर निष्ठा है। और दुनिया में अगर कहीं बहुत बढ़िया समाज बन सकता है जहां गैर-विरुद्ध गैर बराबरी मिटाई जा सकती है, जहां लैंगिक विषमता मिटाई जा सकती है, जहां इंसान को गरिमामयी जिंदगी जीने का हिस्सा दिया, अवसर दिया जा सकता है, वो एक मान विचारधारा है हमारी समय से समाजवाद। और हिंदुस्तान में डॉक्टर लोहिया ने पहली बार पिछड़ों की बात की, उसके पहले सारे विमर्श हुए लेकिन वास्तविक धरातल के स्तर पर डॉक्टर लोहिया ने ही कहा। वो स्त्री के संबंध में भी खुल के कहते हैं,
कि डॉक्टर स्त्री और पुरुष के संदर्भ में उनकी स्पष्ट धारणा थी कि बलात्कार और वादा खिलाफी के अलावा स्त्री और पुरुष के संबंध में हर हर चीज जाए। आप उसके निहितार्थ को समझें, उनके सोच के विचार के फलक को व्यापक स्तर पर समझने की कोशिश करें। वादा खिलाफी और विचार बलात्कार के अलावा हर चीज जाए, ये दो चीजें शामिल हो जाती हैं तो कहीं स्त्री का शोषण नहीं हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, और विशेषकर शहर में बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं कि हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आज बहस कर रहे हैं दिल्ली में। और इसी दौर में मैं तो जनतंत्र का चुनाव को जनतंत्र का महोत्सव कहता हूँ, और मैं अपने देशज भाषा में इसे फगुआ कहता हूँ कि चुनाव लोकतंत्र का फगुआ है। तो ये फगुआ आने वाला है, अब फगुआ इस बार ऐसा होना चाहिए, ये फगुआ बदला लेने का फगुआ है। ये फगुआ आरक्षण की चुनौतियों को, जो 50 साल तक इस देश के साथ धोखा होता रहा है, 2000 नौकरियों के सवाल पर 2000 करोड़ नौकरियां, आंकड़ों को क्या मैं गिनूं, जब आज इंसान की नियत नहीं साफ है, जिसकी शिक्षा और संस्कार ही नहीं क्लियर कि कहां गढ़ा पढ़ा है और जिसका संस्कार कहां है, उसकी बातों में मत जाइए। वो मायावी कोई रावण ही नहीं होता था, मायावी एक चरित्र है और जो उस चरित्र को जीता है वो मायावी है। अभी लगा देश में कि भारत विजय पर हम लोग निकलने वाले हैं, खैर विश्व विजयी होने जा रहे हैं सिकंदर की तरह, लेकिन क्या पता था दो ही दिन बाद हम निवेदन और अर्जी लेके पहुंच जाएंगे कि अभिनंदन कैसे भारत आएंगे। युद्ध की जिसका अमेरिका के पूरी दुनिया का दरोगा समझने वाले आप अमेरिका से पूछिए, वियतनाम में किस तरह उसको 22 साल तक युद्ध करने के बाद मुंह की कहानी हुई। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर सुशीला मोरेले जी हैं, सबकी अपनी जितने लोग हैं सबका अपना एक कर्म क्षेत्र रहा है। बहुत बढ़िया आपने उसको एडवोकेट कोमला साहब ने, और भाषा के सवाल पर मित्रों मैं कहता हूँ कि मुक्ति है तो सबके साथ है, मुक्ति बहुत देर बात कही है, अकेले में कभी मुक्ति नहीं मिलती, हमको सबको होना पड़ेगा। और जातिवाद एक आत्मघाती चिंतन है, ये समाज में जातिवाद नकारात्मक समाज का विकास करता है, जातिवाद एक आत्मघाती चिंतन है, ये समाज का नकारात्मक विकास करता है। जैसे हम यादव हैं, हम कहेंगे कि कुर्मी जा रहा है तो पटेल जा रहा है तो वो दिन भर सन और पटुआ पड़ता है और वो सब्जी बेचता है। तो जाति में जाति का सबसे दुखद पहलू यह है, सबसे शर्मिंदगी वाला पक्ष ये है कि जिस जाति को हम जिस चीज जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं पसंद करते वो दूसरों के साथ वही करना चाहते थे। ये पिछड़े आंदोलन की सबसे बड़ी अतराशी है। पहले हमको इस चीज से उबरना पड़ेगा, हमको अपने सोच के विचार के फलक को व्यापक करना पड़ेगा और तोड़ना होगा गढ़ और मठ सब, और अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। दुनिया में जो अभिव्यक्ति का खतरा नहीं उठा सकता न वो सम्मान से जिंदगी जी सकता है, न समाज बदल सकता है, न एक सपना बेहतर सपना भी नहीं देख सकता, रंगीन सपना भी नहीं देख सकता। इसलिए तमाम वक्ता हैं, मैं अपनी बात बहुत नहीं अपनी बात को समेटूंगा, और अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, और मैं कहूँगा कि कुछ नहीं अपने अंदर की भी बहुत चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कबीर ने कैसे उन्होंने कहा, उस समय का इब्राहिम लोदी उसका शासक था, पकड़ के वहाँ का कोतवाल जो न्यायिक उस दोस्ता भी होती थी उस समय उसके पास, कहे एक बहुत ही इस तरह का इंसान है जो विभेद पैदा करता है, हिंदू मुसलमान को गाली देता है, गरीबी के बराबरी के अंतर को मिटाने की बात करता है जो संभव ही नहीं है, वो परंपराओं और रूढ़ियों पर चोट तो करता है, ये बगावत करता है, पकड़ के शहंशाह के सामने लाया गया। तो उन्होंने जो एक पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह केवल एक है, कब उन्हें उनका दोहा है बड़ा संक्षिप्त में, कुछ बातें संक्षिप्त कहने में आसान हो जाती हैं इन भक्तिकालीन कवियों के लिए, कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने
सो का फिर वे पीर, उसके कोतवाल ने काफिर कहा था कबीर को, तो उन्होंने कहा जो दूसरे के दर्द को समझता है वही पीर है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। जो पर पीर न जाने, जो दूसरे के पीड़ा को दर्द को नहीं समझता वही काफिर है, तुम लोग काफिर हो मैं नहीं। ये कबीर कह सकता है, एक कबीर कहता सकता है जो फाका मस्तिष्क जिंदगी जीता है, जो इंसान में हवस नहीं पैदा करती। और रही साधु इतना दीजिए जामे कुटुम समाये, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हम तो इस परंपरा के हमारे लोग कितने भाषा और तर्क नहीं है, हिंदुस्तान के दलित पिछड़े वर्ग के लोग बड़े भोले हैं, बहुत स्वभाव से भोले हैं। आप उनसे प्यार से हरवाही चरवाही सब करा सकते हैं, आप सब करा लीजिए, लेकिन एक बात है, उनके स्वाभिमान को अगर छेड़ दिए तो आपके लिए विचार की धार ही नहीं, तलवार की बात भी करेंगे आपके ऊपर। उनको समझना होगा, 80% लोगों के पास अपनी तर्क और भाषा नहीं है। तो जो उर्मिलेश सर कहे, जो हमारे नवकिशोर जी कहे, डॉक्टर संदीप भाई कहे, इन चीजों को लेकर हमको खेत खलिहानों की तरफ चलना पड़ेगा, गांव की तरफ चलना पड़ेगा, झरनों में चलना पड़ेगा, पेड़ पहाड़ों में चलना पड़ेगा, आदिवासियों के बीच चलना पड़ेगा। क्योंकि जो आपके घर में ये टीवी कोई सूचना, आजकल वही सबसे ताकतवर है जिसके पास आज की भूमंडलीकरण के भारत के दौर में सूचना की ताकत जिसके पास है। और भारत में ये टीवी किसकी है? टीवी हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के कारपोरेट घरानों की आपके घर में सबसे बड़ी प्रवक्ता है। और जो समाज पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ है, दबा हुआ है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, खड़ा होना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को समेटते हुए और फिराज साहब की एक शेर याद आ रही है, मैं ये निवेदन करते हुए कि लोकतंत्र का फगुआ खेलने के लिए हम सब लोग निकलें गांव में, खेत खलिहानों में 2 महीना, ये भी एक पिकनिक का तरीका हो सकता है, कुछ जीने का, समझने का, लोगों के बीच जाने का। और हमेशा एक बात मैं और कहता हूँ, मूत्र यात्रा, आप अपनी गांव की झोपड़ी में चने का साग और बाजरे की रोटी खा लेना, लेकिन जब घर से निकलना तो तुम्हारे चेहरे पर घर की चिंता और मन की व्यथा नहीं दिखनी चाहिए। ये समाज बड़ा निर्मम और निष्ठुर है, जब राजपथ पर निकलना, सड़क पर निकलना, तो सीना तान के और सर उठा के निकलना, तब तुम इस देश को कुछ बेहतर आप बना पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे। कोंडला साहब का संघर्ष का महाशय हमारे प्रशासनिक अफसर बैठते हैं, संदीप यादव जी के कुछ योगदान को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फिराज साहब की शेर के साथ एक बात खत्म करने जा रहा हूँ कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती, लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। जय हिंद, जय समाज।